नमस्कार दोस्तों, एग्रो फील्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर बताऊंगा जो डेली किचन वेस्ट के रूप में निकलता है और हम लोग जानकारी के अभाव में उसे यूं ही फेंक देते हैं। लेकिन अगर हम उनका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर फूलों वाले पौधे या फिर सब्जियों वाले पौधे में डालते हैं तो पौधे बहुत हेल्दी ग्रोथ करते हैं। हमें बहुत अच्छा अपडेट देखने को उसमें मिलता है। किचन से निकलने वाले किचन वेस्ट में बहुत सारे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो किसी भी पौधे के लिए बेहद लाभदायक होते हैं। किचन से निकलने वाले किचन वेस्ट में शामिल है दाल का पानी, चावल का पानी, सब्जियों को धोने के बाद बचा हुआ पानी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों, तमाम ऐसी चीज़ें किचन से हम लोग रोज़ फेंक ही देते हैं। उनमें नाइट्रोजन तो नहीं होता है या फिर न के बराबर होता है, बट उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भरपूर मात्रा पाई जाती है। उन्हीं में से मैंने लिया है प्याज का छिलका। इस तरह की चीज़ें अक्सर हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन अगर आप गार्डनिंग करते हैं, गार्डनिंग का आपको शौक है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इन सब चीज़ों को फेंकना बंद कर देंगे। आज मैं इसी से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आपको बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि प्याज के छिलकों में कौन कौन से मुख्य तत्व पाए जाते हैं। किचन वेस्ट में जितनी भी चीज़ें आती हैं उन सभी का मैं सिंगल सिंगल वीडियो बनाऊँगा और आपके साथ शेयर करूँगा फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। क्योंकि किसी भी फर्टिलाइज़र को पौधों में डालने से पहले हमें उसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिशन वैल्यू का पता होना चाहिए, तभी हम उसको सही तरीके से पौधों पर सही क्वांटिटी में सही समय पर यूज़ कर पाएंगे और पौधों को उसका भरपूर भी लाभ मिलेगा। दोस्तों, कभी कभी हम जाने अनजाने में फूलों वाले पौधे में या फिर सब्जियों वाले पौधे में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें डाल देते हैं, भले ही वो चीज़ें अलग अलग हों बट उन्हें पाए जाने वाले तत्व रिपीट हो जाते हैं। मैं यहाँ आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो जैसे आपने हिबिस्कस के प्लांट में डीएपी और एनपीके के कुछ दाने एक साथ डाल दिए तो उसमें फास्फोरस की क्वांटिटी डबल हो जाएगी, क्योंकि डीएपी और एनपीके दोनों में फास्फोरस पाया जाता है, अंतर सिर्फ पोटेशियम का है, डीएपी में पोटेशियम नहीं होता है। तो ऐसी गलती आप ना करें। किसी भी फर्टिलाइज़र को प्लांट्स में डालने से पहले उसके बारे में जानकारी ज़रूर ले लें। तो चलिए अब ओनियन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले 1 लीटर पानी लेना है, उसमें प्याज के छिलकों को डाल देना है और प्याज के छिलकों को डालने के बाद इसे दिन भर के लिए छाएदार जगह पर रख देना है। आपको इसे सनलाइट में नहीं रखना है, ना ही किसी चीज़ से कवर करना है, क्योंकि कवर करने पर इसमें बदबू आनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप अच्छे से डिकम्पोज करके यूज़ करना चाहते हैं प्लांट्स पर, तो इसमें जैगरी यानी गुड़ का छोटा सा टुकड़ा डाल दें। गुड़ की वजह से आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र सिर्फ 2 से 3 दिनों में ही कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगा और उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू की मात्रा भी बढ़ जाएगी, क्योंकि गुड़ आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कैल्शियम आदि का एक अच्छा सोर्स होता है, साथ में डिकम्पोजर का भी कार्य करता है। दोस्तों, यह 7 घंटे के बाद का अपडेट है। इसे आप सभी प्लांट्स में डाल सकते हैं और इसे आपको पर डे या फिर एटलीस्ट सप्ताह में 2 से 3 बार तो डालना ही है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले तत्वों की बहुत लो क्वांटिटी होती है। इसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। फास्फोरस रूट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, कलियों को गिरने से बचाएगा और पौधों को मजबूती भी प्रदान करेगा। पोटेशियम अधिक कलियों के निर्माण में सहायक होता है और कैल्शियम सॉइल को सही रखेगा ताकि पौधे सभी न्यूट्रिएंट्स को सही तरीके से यूज कर सकें और तेज़ी से ग्रोथ कर सकें। दोस्तों, पौधों को प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की ही सबसे अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। तो प्याज के छिलकों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में आयरन, मैग्नीज और जिंक पाया जाता है जो पौधे की छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करता है। दोस्तों, प्याज एक ऐसा वेजिटेबल है जो सभी घरों में आसानी से पाया जाता है। इसका बिल्कुल फ्री में, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी खर्चे के लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर पौधों में आप इसका अच्छा खासा उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ आपको इसे डस्टबिन की जगह प्लांट्स की मिट्टी में डालना है लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर। तो आई होप दोस्तों, आज की यह इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।